हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोडी3 फेम टैबलेट के बारे में बात करने वाले, जो कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम क्या इसकी यूजेस हैं, क्या इसकी साइड इफेक्ट है और क्या इसकी डोज है और क्या इसकी प्रिकॉशंस है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बायोडी3 फेम कैप्सूल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। अगर बायोडी3 फेम कैप्सूल के बारे में बात करें तो मैग्लोट्स कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बायोडी3 फेम कैप्सूल एक कम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें कैल्सिट्रोल 0.25 mcg और कैल्शियम कार्बोनेट 500 मिलीग्राम, सोया आइसोफ्लोमोनस 50 मिलीग्राम, विटामिन K27 45 mcg और मैग्नीशियम 50 मिलीग्राम, ये कंपोजिशन इसमें दिया होता है। अगर इसके MRP के बारे में बात करें तो 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आती है, जिसका MRP लगभग 200 रुपये के आसपास होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, कौन सा कंपोजिशन क्या काम करता है। कैल्सिट्रोल जो कि विटामिन डी का एक रूप है, जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करें तो जो कि हड्डियों के लिए और मांसपेशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि रक्त में पर्याप्त कैल्शियम नहीं है तो हड्डियों से कैल्शियम लेगा, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी। इस प्रकार हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। सोया फ्लोमोनस के बारे में बात करें तो जो कि महिलाओं में रोजाना वृद्धि के बाद होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस के रोगों को कम करता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन की हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाता है। विटामिन K27 के बारे में बात करें तो ये हड्डियों के गंधों को बढ़ाता है और हड्डियों के नुकसान को रोकता है। लंबी अवधि के हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और यह कैल्शियम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो शरीर में मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होने से दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है और उससे ज़्यादा तेज होती है और मजबूत भी होती है। इसके अलावा यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अगर इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में बात करें तो हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस की बुजुर्ग व्यक्तियों में और महिलाओं में, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब उनको कोई चोट लगती है तो उनको ज़्यादा दर्द होता है और यह दर्द कई दिन तक रहता है और उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो टूटती भी नहीं हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है और उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी है, इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ हैं वो पतली हो जाती है, साथ ही हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियाँ होती है वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ आसानी से टूट जाती है। तो ऑस्टियोमलेशिया को ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो रिकेट्स नाम की एक बीमारी है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। इस बीमारी में बच्चों की लंबी हड्डी, जैसे कि हाथ की, पाँव की और जांघ की, ये सभी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मुड़ने लगती है और लचीली हो जाती है, जिसके कारण से बच्चे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते और ना ही किस चीज़ को उठा पाते हैं। तो रिकेट्स के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द है, तब भी डॉक्टर के द्वारा यह कैप्सूल दिया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, वो किसी भी कारण से हुई है, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस कैप्सूल का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पेट दर्द होना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, कब्ज का होना, भूख का कम लगना, मुँह सूखना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस कैप्सूल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमें इस पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है मैं आपको वो बता देता हूँ। अडल्ट में एक कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के बाद दिया जाता है
और ज़्यादा आवश्यकता होने पर इसकी खुराक बढ़ाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम दिया जाता है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल को लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप इस कैप्सूल को लेने से पहले कोई विटामिन्स का या कोई हर्बल सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, उनकी सलाह के अनुसार ही आपने इस कैप्सूल को लेना है। या कोई प्रेग्नेंट वूमेन है या स्तनपान करवा रही है तो उन्हें भी यह कैप्सूल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है। ये इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।